टीचिंग पाठशाला एंड इट्स मी योर एजुकेटर ज्योति। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके ICMR का प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए या फिर क्या स्ट्रैटेजी होती है ICMR को प्रिपेयर करने की। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये एग्ज़ाम मैंने खुद दो बार दिया था। लास्ट अटैम्प्ट मेरा 2018 में था और सबसे बड़ी बात है 2018 से ही ICMR ने अपना पेपर जो है स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। उससे पहले वाले अटेम्प्ट में मतलब ICMR जो है क्वेश्चन पेपर भी ले लिया करता था, जिसकी वजह से ICMR का पेपर कभी भी ऑनलाइन अवेलेबल होता ही नहीं था और वो एक प्रॉब्लमेटिक एरिया हो जाता था, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन का आइडिया नहीं है तो आप प्रिपरेशन कैसे करोगे। जैसे कि अभी बार के एग्जाम के साथ हो रहा है, बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं लेकिन क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, तो मतलब हवा में तीर चलाना पड़ता है अनटिल और अनलेस आप किसी एक्सपीरियंस इंसान से पूछ लो। लेकिन लास्ट 3 साल से जो है ICMR पेपर दे रहा है, तो सबसे पहले अगर आप कन्फ्यूजन में घूम रहे हैं कि पिछले 10 साल का पेपर चाहिए तो 10 साल का पेपर नहीं मिलेगा। 2018, 2019, 2020 ये 3 पेपर आपको मिल जाएंगे। आपको डाउनलोड कर लेना है गूगल से, नॉर्मली लिखिए ICMR क्वेश्चन पेपर 2018, 2019, 2020 आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल भी बहुत सारे हैं जहाँ पर मतलब कि ये सारे वीडियो जो हैं वो अपलोड होते रहते हैं, तो इवन यू कैन ट्राई फ्रॉम देयर ऑल्सो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो ICMR है उसका प्रिपरेशन लेवल कैसा होना चाहिए, पहले हम डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे CSIR के हैं, तो डिफरेंस के बारे में हम बात कर लेते हैं कि ICMR और CSIR में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, फेलोशिप का अमाउंट मोर ऑर लेस सिमिलर होता है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंस होती है वो भी सेम टू सेम वैसी ही दी जाती है। जितना भी डिटेल है रिगार्डिंग द ICMR एग्जाम, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है विद द नेम नो एवरीथिंग अबाउट ICMR एग्जाम, उसमें सब कुछ बता के रखा है, क्या कट ऑफ होती है, क्या सिलेबस होता है, एवरीथिंग। तो इस वीडियो में जो है हम उसके प्रिपरेशन लेवल के बारे में बात करने वाले हैं, तो उस वीडियो को जो है आप देख सकते हैं या तो यहाँ पे जो है मैं आई बटन पे लगा दूंगी, आप वहां से जो है उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें पूरा डिटेल हमने डिस्कस करके रखा है कि ICMR क्या होता है, कैसे होता है, एवरीथिंग। इस वीडियो में मैं आपको प्रिपरेशन लेवल के बारे में बताने वाली हूँ। तो देखिए, क्योंकि ICMR का एग्जाम CSIR एग्जाम से बहुत अलग है, और सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट जो है वो भी ऑब्वियसली ICMR में थोड़ी सी डिफरेंट सब्जेक्ट है, लेकिन 50-60% सब्जेक्ट जो है सेम रहते हैं ICMR के CSIR के कंपैरिजन में। तो जहां तक मेरा मानना है, मैं मान के चल रही हूं कि अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं और अगर आपने CSIR का प्रिपरेशन अच्छे से कर रखा है, तो आप ऑलरेडी 60-70% ICMR एग्जाम के लिए रेडी हैं। अब बात आती है, व्हाट अबाउट द लेफ्ट ओवर 30%, बाकी 30% आप क्यों नहीं रेडी हो? क्योंकि बाकी 30% थोड़ा सा यूनिक है, क्योंकि वो यूनिकनेस सिर्फ ICMR के पेपर में देखी जाती है, वो चीजें CSIR में नहीं आती हैं, इसलिए हम CSIR में पढ़ते नहीं हैं। तो बाकी जो 30-40% रह जाता है वो ICMR स्पेसिफिक होता है, जैसे कि फार्माकोलॉजी ICMR में आता है। ठीक है, मेडिकल एरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लाइक डिजीज पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया जा सकता है। उसके अलावा जो है बायोस्टैट पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, साइंटिफिक फिनोमिना पे क्वेश्चन आता है कि साइंटिफिक फिनोमिना में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मेनली बायोलॉजी, दोनों में, तीनों में से किसी भी साइंटिफिक एरिया से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि स्काई ब्लू क्यों है। ठीक है, रेनबो के निकलने के पीछे का फिनोमिना क्या है, आपको कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। जब बॉल आती है तो क्रिकेटर जो है अपना मतलब हाथ जो है पीछे की तरफ लेके जाता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, जो डिफरेंट न्यूटन्स के लॉ है उसके बेसिस पे जो हमने डे टू डे लाइफ के प्रोसेस थे वो सारी चीजें आ सकती हैं। ठीक है, शाम के वक्त जो है आसमान थोड़ा सा ऑरेंजिश क्यों नजर आता है जब सूरज ढल रहा होता है, मतलब ये सारे साइंटिफिक फिनोमेना है जो कि आपको पता होने चाहिए अगर आप ICMR का प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ठीक है, अब आते हैं थोड़े से लेवल पे, ये तो हो गई सब्जेक्ट वगैरह की बातें, लेवल की बात करें तो लेवल जो होता है ICMR का वो थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि ICMR ना थोड़ा ऊपर ऊपर में क्वेश्चन पूछता है, बहुत डीप बेसिस पे वो कभी क्वेश्चन के लिए जाता ही नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मेमोरी बेस्ड मिलेंगे, कुछ एकाद क्वेश्चन होंगे जो कि आपको कंसेप्ट बेस्ड मिलेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं, कुछ एकाद, मैक्सिमम मेमोरी बेस्ड होता है। अब जिसकी वजह से ये एग्जाम का प्लस पॉइंट भी हो गया, नेगेटिव पॉइंट भी हो गया, क्योंकि हम अगर CSIR का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम मैक्सिमम चीजें जो है समझने पे ध्यान देते हैं। ऑल दो CSIR में जो पार्ट बी का सेक्शन है वो थोड़ा सा रटने वाला होता है, लेकिन ICMR में थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही मतलब कि यू नो मेमोरी बेस्ड चीजें पूछ ली जाती है, मेमोरी बेस्ड चीजें पूछी जाती हैं, बेसिक से भी क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों पे आपको ध्यान रखना है। तो कोई भी सब्जेक्ट आप प्रिपेयर करो, इट में भी सेल बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट, कोई भी सब्जेक्ट आप प्रिपेयर कर रहे हो,
थोड़ा सा स्पेसिफिक चलिए, ठीक है, क्योंकि पूरी कहानी नहीं पूछी जाएगी, कहानी के अंदर से कैरेक्टर पूछ लिए जाएंगे कि हाँ इस प्रोटीन का क्या नेचर होता है, ठीक है, और अगर इस प्रोटीन को जो है हम कहीं और पे इंसर्ट कर देंगे तो क्या होने के चांसेस होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, यानी थोड़े से डायरेक्ट क्वेश्चन, थोड़े मेमोरी बेस्ड मतलब कि यू नो इन्फॉर्मेशन रखने वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, बहुत डिटेल में ब्रॉड में ICMR क्वेश्चन नहीं पूछता है। और दूसरी मतलब मैं आपको ये सजेशन देना चाहूंगी कि बेटर आइडिया के लिए ये अच्छा होगा कि आप जो है एक बार तीनों ईयर का पेपर डाउनलोड कर ले, एक बार उस पेपर को आप देखेंगे ना तो आपको एक बेटर आइडिया मिल जाएगा कि कितने हद तक तैयारी करनी है। बहुत डीप लेवल पे तैयारी बिल्कुल नहीं करनी है, वरना मतलब डीप लेवल पे आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो, इनकेस इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ CSIR नेट एग्जाम तो आप ऑलरेडी जो है उतने डीप लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हो, बस अभी जो है क्योंकि आपके पास लगभग रफली जो है एक महीना बाकी रह गया, तो आप जो है रोज भी थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के सिर्फ स्पेसिफिक चीजों पे फोकस करोगे तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। नेक्स्ट चीज ये आती है कि कुछ एक्स्ट्रा भी क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो बिल्कुल, जो कि CSIR में कम पूछा जाता है, जैसे कि ICMR में डेट्स पूछ लिए जाते हैं, कौन से डेट को जो है ये डे मनाया जाता है या वो डे मनाया जाता है, कौन से डेट को कौन सा सबमिट हुआ था, इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभी चले आते हैं। कभी कभी क्या एटलीस्ट एक से दो क्वेश्चन आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो, साइंटिस्ट के नाम चले आते हैं, ठीक है, कोई ऐसी चीज जो कि बहुत फेमस है और अगर वो डिस्कवर की गई है तो उसके मतलब कि उसको डिस्कवर किसने किया है इसके भी नाम चले आते हैं, तो साइंटिस्ट के नाम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, फेमस डिस्कवरी से क्वेश्चन आते हैं, डेट पे तक क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा दिन कौन से मंथ में जो है ये XYZ डे सेलिब्रेट किया जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन चले आते हैं, ठीक है, तो इस पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा अलग से। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि और कौन कौन से एरिया से क्वेश्चन आता है, तो देखिए पार्ट ए जो होता है मेनली ICMR का, उसमें कुछ क्वेश्चन साइंस के भी आते हैं, ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड जैसा वो कहलाता है तो जनरल एप्टीट्यूड होगा, नहीं, उसमें जो आपका ये बायोस्टैट है वो भी मिक्स होगा, हल्का सा साइंस भी उसमें मिक्स होता है, उसी में फिजिक्स केमिस्ट्री के कोर क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगेन आई एम सेइंग साइंटिफिक फिनोमिना में जो फिजिक्स केमिस्ट्री लगती है वो वाली केमिस्ट्री या फिजिक्स चली आएगी, जैसे मैंने अभी आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन चले आते हैं कि हाँ कौन सा सबसे बड़ा सेल होता है, कौन सा स्मॉलेस्ट सेल होता है बॉडी में, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको अपना प्रिपरेशन जो है बिल्कुल वैसे ही रखना है, जो चीज अलग है जो कि CSIR में नहीं पूछी जाती है उसको अलग से प्रिपेयर कर लीजिए। इसके अलावा ये भी क्वेश्चंस आते हैं जैसे जो इंस्ट्रूमेंट पे क्वेश्चन आते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कौन सी चीज को मेजर करने के काम में आता है, ठीक है, प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट आता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन जो इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड होते हैं उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक ऐसा एरिया हो गया जिससे CSIR टच भी नहीं करता, ऐसे एरिया से क्वेश्चन ICMR पूछता है, तो जो डिफरेंस है 30-40% डिफरेंस है वो आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप मेरा वो डिटेल वीडियो जरूर देखिए जहां पे मैंने जो है आपको सिलेबस बता के रखा है, जो सिलेबस अलग है उसको आपको रेडी करना है लेकिन टू द पॉइंट, बहुत कहानी नहीं गढ़नी है जैसे हम CSIR में करते हैं, हर चीज की कहानियां पढ़ते रहते हैं, वैसा नहीं करना है, टू द पॉइंट चलना है फॉर योर ICMR एग्जाम, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं बताना भूल गई, ICMR में जो है इम्यूनो से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और वो आपके लिए प्लस पॉइंट है क्योंकि इम्यूनोलॉजी की सीरीज ऑलरेडी टीचिंग पाठशाला पे चल रही है, और भी आने वाले टाइम में जो है वीडियो उसमें अपलोड किए जाएंगे, ड्यू टू सम हेल्थ कंडीशन मैं रेगुलर नहीं रह पाई इम्यूनोलॉजी के वीडियो के, लेकिन फिर से वो वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगी, मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी ट्राइंग कि बहुत जल्दी ही जो है मैं दोबारा से उसको रिज्यूम कर दूं। तो वो सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट जितना भी पोर्शन मैंने उसमें पढ़ाया है अगर उतने टॉपिक से रिलेटेड आप ICMR के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एक एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, और बाकी जो बचे हुए टॉपिक हैं वो वन बाई वन करके जो है मैं आपके लिए अपलोड करती रहूंगी। तो कुछ एक चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे, कुछ एक चीजें आपको अपने एंड से रेडी करनी पड़ेंगी, और बाकी सब चीजों के लिए आप ऑलरेडी रेडी हो, ठीक है, तो टेंशन ज्यादा नहीं लेना है, स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाइए, अच्छे से पढ़िए, और मोस्ट प्रोबेबली जो है वी कैन से कि अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। कट ऑफ के बारे में भी जानने के लिए आप मेरी प्रीवियस वाले वीडियो को जरूर देखिए जिसका नाम है नो एवरीथिंग अबाउट ICMR एग्जाम, उसमें मैंने सब चीजें बता के रखी हैं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी से रिलेटेड था। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा, थैंक यू सो मच एवरीवन, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें जो भी ICMR एग्जाम के लिए जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं मेनली आने वाले ICMR एग्जाम के लिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, बाय बाय।